डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे डेटेड 21/10/2020, क्लास 9, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आवर सब टॉपिक इज लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम चूंकि आने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सबक की तरफ, ताकि आपका टाइम जो है ये बहुत कीमती है, ये जाया ना हो। जहां कहीं कमी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां कहीं आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे उसके बारे में इवन के फोन तक, मेरा फोन भी आप सबके पास है, मुझे फोन पे भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों के हमारा पास जहां पर हमारा कोई रह गया है उसके लिए मैं दोबारा आपको रिवाइज कर रही हूँ। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हमने पढ़ा था सिंबल्स के बारे में, तो लैटिन नेम्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसका जान लेते हैं। तो सिंबल्स जो है, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास साइंटिस्ट जो हमारा डाल्टन जो है था, डाल्टन ने कहा कि ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल जो है ये बहुत जरूरी है एक एलिमेंट के लिए। इसी तरह से सिंबल के साथ साथ हमारे पास दो तरह के नाम होते हैं, बल्कि तीन तरह के नाम होते हैं एक एलिमेंट के। कौन कौन सा नाम होता है? एक को कहेंगे हम इंग्लिश नेम, एक को कहेंगे हम लैटिन नेम, और एक को कहते हैं हम IUPAC नेम। तो इंग्लिश नेम के बारे में आप जानते हैं, IUPAC नेम भी जानते हैं, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये लैटिन नेम जो है, ये लैटिन नेम क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट का लैटिन नेम जानने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ मैं सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब हमारे पास यहां मैंने एक टेबल रखा है, इस टेबल को हम बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम इंग्लिश नेम। सपोज इंग्लिश नेम्स ऑफ द एलिमेंट, हम क्या लिखेंगे यहां पर, इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, और यहां पर इसका लिखेंगे हम सिंबल, इस पर यहां क्या लिखेंगे सिंबल, और यहां पर लिखेंगे हम लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट क्या क्या लिखा हमने, इंग्लिश नेम हम इस साइड लिखेंगे, आगे इसका सिंबल लिखेंगे, और यहां लिखेंगे इसका लैटिन नेम क्या है। देखो कभी कभी हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये है जी सोडियम। सपोज पहले मैं यहां लिखती हूं, नंबर वन में हम लिखते हैं यहां, मान लो हम सोडियम को ही ले लेते हैं सोडियम। नंबर टू में हम लिखते हैं पोटेशियम, और नंबर थ्री में हम लिखते हैं आयरन, आयरन। नंबर फोर में हम लिखते हैं कॉपर, और नंबर फाइव में हम लिखेंगे सिल्वर। नंबर सिक्स में हम लिखेंगे गोल्ड। नंबर सेवन में हम लिखेंगे मरकरी, मरकरी। के बाद मरकरी के बाद हम लिखेंगे, नंबर एट में हम लिखेंगे लेड, लेड, एंड नंबर नाइन में हम लिखेंगे टिन। मान लो हमने ये एलिमेंट ले लिए, मतलब ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हमने इंग्लिश नेम यहां लिखे, क्या लिखे, इंग्लिश नेम। दीज आर द इंग्लिश नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कौन से नाम है ये, इंग्लिश नेम ऑफ सम एलिमेंट्स लिखे। अब हमने इनका क्या देना है, यहां पर सिंबल क्या देना है, सिंबल। तो सोडियम जो है, सोडियम का, एज यू नो, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और पोटेशियम का क्या है, K। इस तरह से हमारे पास आयरन का क्या है, Fe। कॉपर का क्या है, Cu। इस तरह से सिल्वर का आप जानते हैं क्या है, A, स्मॉल g, और गोल्ड का A, U।
उसके बाद हमारे पास मर्करी जो है उसका क्या है एच जी, लेड का क्या है पी बी, टिन का क्या है एस एन। तो देखिए सोडियम जो है यहां इसका चूंकि इंग्लिश नेम क्या है सोडियम, अब इसका सिंबल इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था एसओ है ना, लेकिन यहां पर क्या है एनए, यहां पर क्या है एनए, इट मींस कि इसका कुछ लेटर नेम जो है वो अलग है, लेटर नेम इसका अलग है। अब लेटर नेम क्या है वो मैं यहां लिखती हूं नेट्रियम, नेट्रियम जो है नेट्रियम इसका लेटर नेम है, इसीलिए इसका इंग्लिश नेम को इससे उसका सिंबल रेफर नहीं किया गया है, इसको इसके लेटर नेम से सिंबल दिया गया है। इस तरह से पोटेशियम जो है पोटेशियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम का सिंबल यहाँ पर के है, होना क्या चाहिए यहाँ इंग्लिश नेम के हिसाब से पीओ, लेकिन इसको इसका असली नाम यहाँ पर क्या है के एल आई यू एन, ये इसका क्या है लेटर नेम, इसी से ओरिजिन में हुआ है इसका नाम रखा गया है, पोटेशियम का सिंबल क्या दिया है के। इस तरह से आयरन, आयरन जो है आयरन का क्या है एफ ई, इसका जो है लेटर नेम वो है फेरियम, इस तरह से यहाँ कॉपर है, कॉपर का जो लेटर नेम है वो है क्यूप्रम, क्यूप्रम सी यू पी आर यू एम है ना। इस तरह से यहां पर हमारे पास अगला है सिल्वर, क्या है सिल्वर को क्या दिया है इसने सिंबल ए जी, तो इसका नाम क्या है अर्जेंटो, अर्जेंटो। इस तरह से गोल्ड जो है गोल्ड का इसने क्या दिया है सिंबल यहां पर ए यू, तो ये है ओरियम, इसका लेटर नेम क्या है यही इसके ओरिजिनल को ओरिजिनल नेम को ये सिंबल जाहिर करता है। फिर है मर्करी, मर्करी का क्या है एच जी, सिंबल क्या है एच जी, तो इसका लेटर नेम जो है ये है हाइड्रा जेरियम। उसके बाद हमारे पास है इसका सिंबल इसका लेड का जो है वो पी बी है, तो इसका जो लेटर नेम है ये है प्लम्बम, इस तरह से जो टिन है टिन का जहां सिंबल जो है क्या दिया गया है ऐसे, क्या दिया है ऐसे, तो इसका है स्टेंटम, ये इसका सिंबल है। तो यहां तक मैंने आपको ये बताया कि सिंबल में और लेटर नेम में कितना फर्क है, इंग्लिश नेम और लेटर नेम में कितना फर्क है। यहां पर आप जाके कहीं परेशान हो जाएंगे कि भाई यहां पर अगर इसका सोडियम को रखा गया है एन ए सिंबल, तो यहां पर इसका नाम तो सोडियम है एसओ से शुरू होता है, तो यहां पर आप परेशान ना हो जाएं क्योंकि ये इसको सिंबल किसके नाम से रखा गया है इसके लेटर नाम से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे सोडियम पोटेशियम आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड मर्करी लेड और टिन, यहाँ पर मैंने दे दिए सिंबल और यहाँ पर इनका जो है ये इसका लेटर नेम है। तो यहाँ तक आज का हमारा, तो कल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। शुक्रिया।